मेरा ऑर्डर 6 नंबर का था और फ्लिपकार्ट से 7 नंबर का आ गया, तो हमने रिप्लेसमेंट के लिए अपील किया और वहाँ अप्रूव नहीं हो पा रहा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और दोस्तों मैं आज बहुत ही खुश हूँ। इसका रीज़न है ना कि फ्लिपकार्ट में मेरा सक्सेसफुली रिप्लेसमेंट हो गया वस्तु का। जो 7 नंबर आया था, मैंने 6 नंबर ऑर्डर किया था, वो सक्सेसफुली हमारे को रिसीव हो गया। दोस्तों मेरा ऑर्डर 6 नंबर का था और फ्लिपकार्ट से 7 नंबर का आ गया, तो हमने रिप्लेसमेंट के लिए अपील किया और वहाँ अप्रूव नहीं हो पा रहा था। हमने फ्लिपकार्ट में कॉल लगा के वहाँ समस्या को बताया अपना, और दोस्तों उन्होंने बताया कि आप फ़ोटो खींच कर जो आपका प्रॉब्लम है उसे आप यहाँ सेंड कर दीजिए, ताकि हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं और आपका प्रोडक्ट जल्दी से अप्रूव मिल जाएगा। दोस्तों अप्रूव मिल गया और 2-3 दिन के बाद ही वह प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव हो गया है। जो दोस्तों ये है, ये प्रोडक्ट हमने इसे खोल के वहीं देख लिया था कैसा प्रोडक्ट है, और दोस्तों ये 6 नंबर का आया है अबर में, पहले 7 नंबर का था। आप देख सकते हैं, इसको हम बढ़िया से आपको दिखाएंगे। और ये जो शू आप देख रहे हैं पूरा नया कंडीशन में आया है, ये जो है ना आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नया दिख रहा है, और ये भी लगा हुआ पूरा नया का स्टिकर, उसमें कुछ नहीं था। वहाँ जो पहले मेरा प्रोडक्ट आया था वह इसमें गंदा गंदा से दिख रहा था इसमें, और दोस्तों सेकेंड टाइम में मेरा रिप्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया से हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा शू लग रहा है मेरे को तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा सेकेंड टाइम में जो आया शू। फर्स्ट टाइम में निराश कर रहा था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा। शुरू में ऑर्डर किया था हमने, 6-7 दिन बाद आया, और ये दोस्तों रिप्लेसमेंट के बाद मेरा 2-3 दिन लगा है और वो हैंड टू हैंड हो गया। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि फ्लिपकार्ट से आपने कुछ और मंगाया और कुछ और आ गया, तो दोस्तों उसे सॉल्यूशन मिल जाता है फ्लिपकार्ट से और आपको रिप्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। शुरू में से प्रॉब्लम लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, शू रिप्लेसमेंट हो गया और बहुत ही प्यारा शू मिला दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट डे में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।